जी कैसे हो सारे। तो आज अपना ब्लॉग है, तो बंदे पीएसए के बारे में थोड़ा और जानना चाहते थे, तो मेरे को कई बंदों के कमेंट आए और बंदे पीएसए के बारे में काफ़ी कुछ पूछ रहे थे कि मेडिकल का क्या सीन है और भी कई बातें। सो बताता हूँ आपको। सो बंदे जब पीएसए में आते तो उनके काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, तो मैं बस वही सारे डाउट क्लियर करता हूँ और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सब बताता हूँ आपको। अभी मैं खुद वैसे एक नई जगह पे आया हूँ, सो मैंने यहाँ पे इधर पीछे अगर आपको जगह दिखेगी, सो यहीं पे मैंने घर लिया है। घर मीन्स रहने की जो अकोमोडेशन है मेरी यहाँ पे अब। और बंदे काफ़ी कुछ पूछते हैं अकोमोडेशन के बारे में, कंपनी के बारे में भी पूछते हैं। मतलब बंदा पूछता है भी भाई भाई सब कुछ सही है यहाँ पे, लॉन्ड्री का क्या सीन है। सो लॉन्ड्री का ये सीन है, जो वैसे जो ग्लांटा की अकोमोडेशन है उसमें क्या है कि कपड़े अंदर धोना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। सो कई बंदे धो भी लेते हैं, पर अगर बंदे को ज़्यादा कपड़े धोने हैं तो वहाँ नीचे वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल है और वहाँ पे धोने के 3 यूरो 20 सेंट्स लगते हैं और सुखाने के भी 3 यूरो 20 सेंट्स। पहले आप धोओगे कपड़े, उसके बाद निकाल के आपको ड्रायर में डालने हैं, सो वहाँ पे तुम्हारे कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं, तो तुम्हारे 6 यूरो 40 सेंट्स तुम्हारे लग जाते हैं एक बार में कपड़े धोने के। और वो मशीन भी काफ़ी बड़ी है, मतलब मेरी हाइट से तो ज़्यादा, काफ़ी 6-7 फुट की मशीन है वो। और एक और मशीन है वहीं पे सेम, मतलब कई अकोमोडेशंस में क्या है कि वॉशिंग मशीन्स फ्री है, जो उनको रूम के साथ ही अटैच दी हुई है। सो इधर वो ऐसा सीन नहीं है, तो आपको कई जगह अगर तुम्हारी अकोमोडेशन अलग रही सो तो तुम्हें वहाँ पर वॉशिंग मशीन जो है फ्री मिल जाएगी। सो उसका कोई चक्कर नहीं है, वॉशिंग मशीन बहुत, मतलब उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बंदा पूछता है कि व्हाट्स योर जॉब प्रोफाइल, वट इज़ योर जॉब। तो पहले मैं पीएसए में काम करता था और अब जो है मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया, अभी एक आधा महीना हुआ छोड़े वहाँ से काम। सो पीएसए में वैसे मैं प्रोडक्शन वर्कर था और मैं MV2 में काम करता था, ये भी बता देता हूँ आपको। और अब जो है मैं पोर्श में काम कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की है मतलब इतना जितने ये पिछले साल आया था मैं, सो एक साल जो हो गया तो मैंने यहाँ पीएसए में काम किया है, काफ़ी हार्ड वर्क है और बढ़िया काम है। पर काम हमको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि बंदा काफ़ी आराम से रहे, मतलब उसको ऐसा फील ना हो कि मुझे वापस इंडिया जाना है कुछ ऐसे, तो वो काम मैं कह रहा हूँ मुझे अब मिला है। सो वो भी काफ़ी मेहनत करी है मैंने और वो काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मैं नहीं चाहता उसको मैं अब छोड़ूँ। अगर अगर उससे भी बढ़िया मिल जाए कि तो वो बात अलग है, पर फिलहाल मैं अच्छी कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। पीएसए अकोमोडेशन का चार्ज पर पर्सन और ओनली फूड पर पर्सन कितना यूरो लगेगा प्लीज़ टेल मी। अब ब्रदर पीएसए का जो अकोमोडेशन का चार्ज है वो 180 यूरोस था, और जो तुम्हारे वैसे 186 कटते हैं, जो 6 यूरो तुम्हारे ऊपर कटते हैं वो तुम्हारे उनके है, बेड शीट्स और जो तुम्हारे पिलो कवर और जो भी एक आधा कवर हो रहा है वो सारे उनके कटते हैं, वो तुम्हारे सैलरी से डिडक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि चाहे तुम उन्हें नीचे जाके चेंज करवाओ चाहे ना करवाओ वो हर महीने तुम्हारे सैलरी से पैसे काटेंगे, वो 6 यूरो कटेंगे ही कटेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई चीज़ के रेट बढ़े भी है कम भी हुए हैं, सो क्या पता उसका रेट चेंज हो गया हो अकोमोडेशन का। फिलहाल जब मैं था अभी तो लास्ट मंथ ये 180 यूरोस में ही था, 6 यूरो तुम्हारे कटेंगे ही कटेंगे वही मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हें बेडशीट चेंज करवानी ही पड़ेगी चाहे तुम करवाओ या ना कहो, काटेंगे ही काटेंगे। तो तुम ज़बरदस्ती जाके वहाँ बेडशीट जरूर करवाना नीचे रिसेप्शन पे, मतलब तुम पुराने अपने बेडशीट्स दोगे और वो तुम्हें नवी इशू कर देंगे। और पासपोर्ट तानी रख दी कंपनी, अब ब्रदर इधर कोई कंपनी किसी का पासपोर्ट नहीं रखती है। सो पहले की बात और वैसे अलग कंट्रीज़ की बात होती है कि पासपोर्ट रख लेती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं। सो इधर मैंने ऐसा आज तक अभी देखा नहीं है कुछ कि कंपनी पासपोर्ट रख रही है या कुछ ऐसा इलीगल काम कर रही है, या सब कुछ सही रहता है और कोई कंपनी किसी का पासपोर्ट नहीं रखती है, सब एकदम सही रहता है। सो पासपोर्ट की इधर और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट रखती है, सो ऐसा इधर कोई दिक्कत नहीं है। भाई आई टेस्ट किस टाइप का होता है, अब बंदा पूछ रहा है ये पीएसए के बारे में पूछ रहा है बंदा कि आई टेस्ट किस टाइप का होता है, और बंदा ये भी पूछ रहा है कि मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है, काफ़ी टफ तो नहीं होता मेडिकल। अब ब्रदर मेडिकल कोई टफ नहीं है, मेडिकल नॉर्मल मेडिकल जैसे होता है, वो तो बंदे डरा देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, पर मैं बताता हूँ मेडिकल नॉर्मल है। पर बंदा वहाँ पे नशे वगैरह, मतलब मेडिकल से कुछ टाइम पहले नशे वगैरह जो भी करते हैं बंदे, ऐसे जेन्युइन बात कह रहा हूँ, तो एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, सो कुछ दिन ना ही करें मेडिकल से पहले तो बढ़िया है, नहीं तो क्या ऑब्जेक्शन लगती है तो क्यों ही लगानी है ना।
मैं मेडिकल में ये बताता हूँ कि मेडिकल कोई ज़्यादा वो टफ मेडिकल नहीं है, मेडिकल नॉर्मल मेडिकल है। उसमें तुम्हारा आई टेस्ट, ईयर टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ECG और तुम्हारी वो लंग्स टेस्ट होती है वो एक मशीन में फूक मार के। सो वहाँ उसमें तुम्हें जितनी लंबी फूक मार सकते हो मारनी पड़ती है, वो भी कंटिन्यूसली कुछ सेकंड तक। सो ये आपका टेस्ट होता है, जो तुम्हारा आई टेस्ट होता है तुम्हें पता ही है, जो जैसे स्कूल में डॉक्टर आके लेते थे, सो वैसा टेस्ट होता है। और उस टेस्ट में मतलब सामने पेज लगा होता है, एक आंख बंद करके पूछते हैं वो क्या लिखा, वो क्या लिखा, बस वो है। और हेयरिंग टेस्ट में है, एक छोटे से तुम्हें बूथ में बिठा देते हैं, उसके अंदर तुम्हें हेडफोन्स लगाने पड़ते हैं, और हेडफोन्स लगा के एक बीप साउंड आती है, तो तुम्हें बस और हाथ में एक बटन देते हैं, जब वो बीप साउंड होती है तो तब तुम्हें वो बटन प्रेस करना होता है जब जब तुम्हें वो बीप साउंड सुनाई दे। सो ये हेयरिंग टेस्ट है, और बाकी कोई टेस्ट इतने खास नहीं है, मतलब ये नॉर्मल टेस्ट है, हर बंदा पास हो जाता है। सो जो मैं बता रहा हूँ बस बंदा उसकी थोड़ी केयर करें, बाकी सब ओके हो जाता है इधर। सो मैं वैसे भी अपना रूम वगैरह मैंने एक दो चेंज कर लिए, और बंदे भी कह रहे थे तुम्हारा ब्लॉग नहीं आ रहा, तो बस मैं रूम चेंजिंग के उसमें लगा हुआ था, और अब मैं जस्ट ब्लॉग बना रहा हूँ घूमते हुए। और आज भी तब टाइम लगा, और क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, यहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है एकदम से ही, और कब बारिश आ जाए कब धूप निकल जाए कुछ पता नहीं है। अभी सुबह इतनी ठंड थी, मतलब बारिश हो रही थी अभी कल तक भी, आज फिर से धूप होगी, अभी एक घंटे के अंदर क्या पता बारिश आ जाए तूफान आ जाए कुछ नहीं पता है, अभी हल्की हल्की धूप है बस। यहाँ आने के लिए मतलब जो बंदे अपना लगेज करते हैं सो पूछते हैं क्या क्या सामान लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, ये कपड़े लाने चाहिए, यहाँ सस्ते मिलते जो भी है। सो बात यह है कि बंदा अपना ज़्यादा लगेज मतलब रखे, मगर उसमें कपड़ों का अपना ज़्यादा तामझाम ना करे, क्योंकि कपड़े यहाँ एक से एक मिल जाते हैं, तुम्हें महंगे डालने महंगे मिल जाएंगे, सस्ते डालने सस्ते भी मिल जाएंगे, और ब्रांड तुम्हें यहाँ मिल ही जाएगा एक से एक। सो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अपना ज़रूरी सामान लेके आए, बर्तन वगैरह जो भी है तुम्हारे खाने पीने के, और कुकर जरूर लेके आए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं मिलता है। सो बाकी बर्तन तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे, पर कुकर नहीं मिलेगा, कुकर मिलेगा पर वो दूसरा मिलता है, वो काम का नहीं है। सो कुकर जो है अपना इंडिया वाला वो ज़रूर लेके आए। और कंपनी के बारे में ये है कि बंदे पूछते हैं काम हार्ड है कैसा है, काम हैवी तो नहीं है, जो अगर काम वहाँ पे हैवी होगा ना सो वो तुमसे वो काम नहीं करवाएंगे, हैवी काम जो है मशीन्स करेगी। और अगर तुम्हारी पोस्ट पे हैवी काम होता भी है तो उसके उसको करने के लिए भी वहाँ पे मशीन्स अवेलेबल होती है। बंदा पूछ रहा था कि लंच डिनर का क्या सीन है, खुद बना के ले जाना पड़ता है, कंपनी प्रोवाइड करती है जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी है तुम्हारा, वो सब कंपनी प्रोवाइड करती है, वो भी तुम्हें एक डिजिटल स्क्रीन में वो ऑर्डर करना पड़ता है, वो भी तुम्हें पिछले दिन ऑर्डर करना पड़ता है कि तुमने आज क्या खाना है, उसकी कॉस्ट है 1 euro 10 cents या 1 euro 40 cents इतना ही है, अभी ऊपर नीचे उसका रेट हुआ है, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कितना है, सो इतना ही था, सो इससे कुछ ही ऊपर हुआ होगा या नीचे हुआ होगा, सो बाकी तुम देख लेना जब भी कोई भी वहाँ जाएगा तो। वहाँ पर तुम्हें खाना ऑर्डर करना पड़ता है और खाना पेड रहता है, कुछ फ्री नहीं है उधर सिवाय पानी के। अब एक और बंदा ये पूछ रहा है कि ओवर टाइम कितना कर सकते हैं, मतलब फुल शिफ्ट लगती है हाफ, सो ब्रदर ओवर टाइम तुम्हें सिर्फ 4 घंटे ही लगेंगे पर डे अगर तुम लगाना चाहो, पर डे वैसे तुम 4-4 करके जितने मर्जी लगाते रहो पर एक दिन में 4 घंटे ही लगेंगे, ठीक है। सो ये ओवर टाइम का ये सीन है, तो तुम 8 घंटे सोचो तो वो नहीं लगेगा। हाँ अगर तुम वेल्डिंग सेक्शन में हो तो वहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट रहती है ओवर टाइम की, और ओनली संडे लगती है, वो भी उसमें हर कोई नहीं जाता है, वो भी शिफ्ट अलग रहती है, वैसे 4 घंटे का तो ओवर टाइम रहता ही रहता है चाहे जो मर्जी सेक्शन हो। हाँ बंदा कह रहा है कि मैं भी इस कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, कार असेंबली में, असेंबली वाली कंपनी में 6 डे वर्क बताया, और ट्रैवल एकोमोडेशन और हेल्थ का जो भी है तुम्हारा वो कंपनी पे करेगी, सिर्फ फूड अपना होगा। सो ब्रदर मैं इसके बारे में ये बताता हूँ कि मैं भी पिछले 1 साल से PSA में था, सो ऐसा कुछ अभी रूल बना नहीं है, तो अभी मैंने छोड़ दिया, क्या पता उसके पीछे रूल बन गया होगा, मगर ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब इतना कुछ फ्री कर रहे हैं। सो हेल्थ का तुम्हारा क्या है, हेल्थ तो फ्री रहती है, उसमें कोई पैसा नहीं होता, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी रहता तुम्हारा उसका फ़ायदा है इधर। ट्रैवल तुम्हें खुद लगा के जाना पड़ेगा अपने पैसों से, अकोमोडेशन भी तुम्हें खुद पे करनी पड़ेगी, बाकी कंपनियों का हिसाब है, अगर तुम किसी और कंपनी में जा रहे हो सो अलग अलग कंपनी का अपना हिसाब है, कोई फूड फ्री देती है, कोई ट्रांसपोर्ट फ्री देती है, कोई अकोमोडेशन फ्री देती है ना, तो सभी कंपनी अपने अपने हिसाब से काम करती है। सो PSA में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, और अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, सो फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। बंदा जब इधर आ रहा है सो काम
लगने से पहले बंदा कुछ महीना 15-20 दिन जो भी है फ्री रहता है, सो उसके सर्वाइव के लिए बंदा कितने पैसे रखे। तो अगर मैं अपने बताऊँ, सो मैं इंडिया से खाने का सामान लाया था, मैगी ले आया था और भी छोटा मोटा जो सामान था, तो स्टार्टिंग मैंने वही खाया और कपड़े में ज़्यादा कुछ लाया नहीं था, और जो मैं पैसे लाया था मैं सिर्फ 20 यूरोज लाया था और मैंने बाद में 100 यूरोज लिए थे, सो 120 यूरो थे मेरे पास और वो भी मैंने अगली सैलरी तक सर्वाइव कर लिया था उसमें। तो अगर मैं बताऊँ कितने तुम रख सकते हो, तो मेरे हिसाब से 200 यूरोज काफ़ी है बंदे को इधर सर्वाइव करने के लिए सैलरी से पहले, अगर वो खाता पीता नहीं और पैसे नहीं उड़ाता बंदा, क्योंकि बंदा यहाँ कमाने आया। सो जब बंदे की होता है ना घर पे काफ़ी कुछ बंदा देख के आया होता है, सो हर बंदे के घर के हालात सेम नहीं रहते हैं, सो किसी को देखा देखी ना ही करे बंदा तो बढ़िया, और अपना ढंग से चले तो ठीक है, और जब एक बार घर का पैसा भी उतर गया और सब टेंशन फ्री होगी उसके बाद तो जो मर्जी करो। सो वो बात अलग है कि तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो कि बाद में कर रहे हो। बाकी 200 यूरो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इनफ है तुम्हें, मतलब नॉर्मल खाने के लिए और अच्छा खाना के लिए। और बंदे मुझे ये भी कहते हैं कि कंपनी के अंदर का भी व्लॉग बनाओ, सो मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि पहले मेरे से पहले इधर कोई यूट्यूबर रहे होंगे, सो उन्होंने कंपनी के अंदर का भी व्लॉग्स बनाया था, सो उधर कंपनी में जो है वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं है, कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और अगर कर भी लेते हैं बंदा, सो अगर वो किसी बड़े बंदे के हाथ में आती है ना, नज़र में आती है, सो उस पर ऑब्जेक्शन लगता है, सो मैं कंपनी के अंदर का व्लॉग नहीं बना सकता हूँ। सो ऐसे अपना एक बंदा था, उसने व्लॉग बनाया था, सो कहते हैं उसका चैनल भी डिलीट है, जो भी ऐसे डराते हैं, तो मैं उस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहता, सो मैं कंपनी के अंदर का वैसे व्लॉग नहीं बना सकता हूँ। अगर बंदा वैसे पूछे मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ जो भी है जेन्युइन बातें, सो ऐसे तो शूट अलाउड नहीं है कंपनी के अंदर का। वीडियोज़ मेरे पास बहुत बड़ी है कंपनी के अंदर की, पर मैं उसको ऑनलाइन वैसे डाल नहीं सकता हूँ कोई भी उसको। सो ये था अपना आज का व्लॉग, सो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता थी अभी जो बंदों ने कमेंट किए थे तो उसके हिसाब से मैंने ये व्लॉग बनाया, सो ये नॉर्मल सी इन्फो थी, और अगर किसी और को कुछ भी जानना है तो मुझे मैसेज कर सकता है। सो अभी ये कोई ज़्यादा इतना खास व्लॉग नहीं था, ये एक नॉर्मल छोटा मोटा सा व्लॉग था, अभी आगे और व्लॉग आएंगे तो अभी मैं थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ किसी कामों में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और फॉलो करो, शुभी ब्लॉग्स, लव यू, बाय।